नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वी फॉर इनोवेटिव। मेरा नाम है विनोद साह और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल वॉलेट के बारे में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने SBI के वॉलेट जिसका नाम है SBI बडी उसको डाउनलोड करके रखा होगा और उससे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन भी करते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि SBI अब इस मोबाइल वॉलेट को बंद करने जा रहा है और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स और ऐसे वॉलेट को वो बंद कर चुका है। दोस्तों, जिन वॉलेट में ज़ीरो अकाउंट ज़ीरो बैलेंस है उन अकाउंट को या फिर उन वॉलेट को वो बंद कर चुका है, लेकिन जिनमें अभी तक पैसा है या फिर जिनसे लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको उसने अभी तक बंद नहीं किया है। और SBI ने जो भी ट्विटर में अपना एक ट्वीट किया है उसके अनुसार नवंबर 2018 तक वो जितने भी SBI के जो भी मोबाइल वॉलेट बड़ी है उन सबको बंद कर देगा। हम आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SBI ने बड़ी के बाद अपना दूसरा एप्लीकेशन लेके आए थे जिसका नाम था योनो। और SBI ने जो कि रिलायंस है, जो कि मुकेश अंबानी जी के साथ में मिलकर उनका एक नया वेंचर लेके आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाने के लिए वो योनो ऐप लेके आए थे। और इस योनो ऐप की मदद से आप बहुत सारे काम चुटकियों में कर सकते हैं। हमारे आगे इस वीडियो में हम आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और पुराना एप्लीकेशन है बड़ी उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हम आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े उधारकर्ता ने मास्टर कार्ड और एक्सचेंजर कंपनी की तकनीकी पार्टनरशिप के साथ अगस्त 2015 में ये मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया था। इस वॉलेट ऐप को 13 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया था। बैंक ने इस वॉलेट को बंद करने के साथ ही इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म SBI योनो को लॉन्च किया है। SBI ने अपने इस डिजिटल बैंकिंग सेवा को देश भर में भारत में बढ़ते मोबाइल ग्राहक एवं टेक सेवी लोगों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। हाल ही में SBI ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ एक करार किया था। बैंक ने ये करार अपने कस्टमर्स एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए किया है। माई जियो ऐप जो कि देश की सबसे बड़ी ओवर द टॉप यानी कि OTT मोबाइल एप्लीकेशन है और अब आपको SBI व जियो पेमेंट बैंक की मदद से आपको वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अगर आप अब भी मोबाइल वॉलेट बड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, उसमें से अपने सारे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि नवंबर आते आते SBI अपनी सेवा को वापस ले लेगी और पूरी तरह से बंद कर देगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने V4 Innovative को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।